गाइस, ये पुरानी सेमापुर है और यहाँ पे एक नदी है। नदी मानो खेत ही है, और इस खेत में प्राकृतिक रूप से यहाँ पे कमल का फूल खिला है, आप देख सकते हो। और कितना गजब का नज़ारा लग रहा है। और ये साइड में आप देख सकते हो, इधर से रोड है और ये रोड कटिहार के रास्ते जाती है, और कटिहार में जाके मिल जाती है सुखासन वाली रोड में। और इसके साइड में आप देख सकते हो कि इसके साइड में कितना मस्त का कमल का फूल है। आप पूरा चारों साइड आप देखोगे तो पूरा कमल का फूल ही फूल नज़र आता है। नज़ारा तो देखने लायक है। आप चाहो तो आप भी यहाँ के देख सकते हो। रोड के बगल में ही है एक नदी है, इसमें जब बाढ़ आती है तो इधर पूरा फूल हो जाता है पानी। और वैसे ये खेत है, और ये कमल का फूल से पूरा खेत लदा हुआ है। और ये नज़ारा कितना ब्यूटीफुल नज़ारा लग रहा है, देखिए कितना मस्त का नज़ारा लग रहा है। और जस्ट इसके अपोजिट साइड ढलता हुआ सूर्य आपको दिखाई दे रहा होगा। और इधर से सेमापुर जाता है, ये रास्ता सेमापुर होते हुए कोढ़ा जाती है, और ये रास्ता कटिहार की तरफ भी जाती है। और कुछ आदमी इधर जा रहे हैं, सब कोई फूल को देखने ही जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत भव्य लग रहा है, क्योंकि ये नेचुरल है। मैंने जस्ट अभी आपको इसी का दिखाया था, क्योंकि पूरे प्लॉट में सिर्फ कमल का फूल ही खिला हुआ है। सब लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े नदी और कीचड़, बड़े बड़े कीचड़ में ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कीचड़ भी नहीं है, बहुत कम है, और उसी में ये इतना सारा कमल का फूल खिला हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके बैकग्राउंड आप देख सकते हो कितना मस्त का, कितना लाजवाब बैकग्राउंड लग रहा है। पूरा नेचुरल ही नेचुरल लग रहा है, हरा भरा, मानो तो यहाँ पे स्वर्ग है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी अंदर जा रहा हूँ और आपको नज़दीक से दिखाऊंगा कि यहाँ पे फूल कैसे कैसा खिला है। और एकमात्र यही जगह यहाँ पे बराड़ी पंचायत जहाँ पे कमल का फूल खिलता है। और तो पता नहीं, चलते हैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। जाइएगा कि शायद पानी अभी तो ज़्यादा दिख नहीं रहा है, बहुत पानी कम है, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि कितना पानी है। और दो रिपोर्टर साहब उधर है पानी में घुसे हुए, पहले से रिपोर्टिंग करने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ। शायद पानी बहुत ज़्यादा है। ये नहीं आप करेंगे, आपको बुला के थोड़ी करेंगे। तो गाइस, पानी बढ़ता जा रहा है और मेरा पैर दस्ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया है। पानी तो जैसा लग रहा है कि सच में बहुत ज़्यादा है। और देख सकते हो आप, ये है कमल का कली, कितना मस्त का है। 9 दिन में आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा इसका। कैसे दे रहा है, कैसे पीस बिक रहा है? 150 पीस। ये देखिए, ये कमल का फूल है, बात करते हैं कच्चब का। तो गाइस, लगता है बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत गड्ढा है। दुर्गा पूजा का फर्स्ट दिन है, और पहला दिन में बहुत सारा फूल कट के बिक चुका है। और लगता है कि आगे बहुत पानी है, क्योंकि मेरा पैर भींग चुका है और मेरा जींस भी भींग चुका है। मैं अभी पानी में घुस चुका हूँ। मैं भी माइक पकड़ू क्या? जी, आप रिपोर्टिंग कीजिए पब्लिक बनाने की तरफ से। ये भारत न्यूज़ और उधर है पब्लिक उड़ान।
दोनों न्यूज से प्रसारित किया जाएगा इस फूल के बागान को, और दिखाया जाएगा कि हमारे एरिया में भी कमल खिलता है, कमल का फूल। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है वैसे खेतों में कमल का फूल खिल चुका है। ये कीचड़ तो नहीं लग रहा है, देखना। ये जो क्षेत्र है बिहार राज्य के अंतर्गत जिला कटिहार, कटिहार के बराड़ी के अंतर्गत दुर्गा पंचायत है। और मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि जब हम इस रास्ते, तो गाइस इस कमल फूल के जड़ में कांटा भी होता है थोड़ा थोड़ा, चूँकि चुभता है। ये लुभावनी ही लुभावनी लग रही है। और मैं बता दूं आपको कि ये कमल का फूल जो है ना, इसका डंटी बहुत लंबा है। आप देख सकते हो कितना लंबा है इसका डंटी, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक। मैं इसको आपको बताता हूँ हिला डुला के, ये बहुत लंबा है, बहुत अंदर तक इसका जड़ गया है। और ये जैसा लगता है कि क्या बोलता है, संटी नहीं होता है, सेम संटी का पौधा जैसा होता है, यानी कहो तो पटुआ। और इसमें पहले मखाना खेती की जाती थी, पहले नहीं अभी भी मखाना खेती की जाती है। और अभी कुछ दिनों पहले इसमें से मखाना साफ किया गया था, और मखाना निकालने के बाद तब जंगल हुई, जंगल में फिर मानो कीचड़ हुई, क्योंकि कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ हुई। उसके बाद कीचड़ के बाद आज प्रथम पूजा है, और आज के दिन इतना फूल इसमें फुलाया हुआ है ना कि गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि इस फूल का बहुत मायने है, क्योंकि ये फूल बहुत ही मनमोहक फूल है, और इस फूल से पूजा की जाती है। और इसका दाम भी अच्छा खासा है, एक फूल का 15 से 20 रुपये प्रति पीस फूल बिकता है। हर मंदिर के आगे आपको ये फूल मिल जाएगा। और मैं सोचा कि क्यों ना ये फूल हमारे रास्ते में मिला और हमारे एरिया मिला तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और ये इधर सूर्य भी है, सूर्य इधर ढल रहा है जो कि और अच्छा लगता है देखने में। फिर मैं आपको और आगे दिखाता हूँ, बने रहिएगा हमारे साथ। आ जाता है कि जिस भूमि पे कमल का फूल हो वहाँ पे देवों का वास किया जाता है, सच है। कटिहार बराड़ी क्षेत्र में पड़ता है, और इस जगह का नाम तो मैंने बताया ही, इस जगह का नाम है पुरानी सीमापुर। गाइस ये कमल के फूल का साइड का पत्ता है, देख सकते हो ये छोटा छोटा पत्ता है, और इसका कली ऐसा होता है, कुछ ऐसा कली कुछ इस तरह का होता है। और ये देख सकते हो कली, ये कली है, बहुत अच्छा लगता है। मखाना का खेत में कमल का फूल, वो भी इतना सड़ा, माय गॉड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, और जहाँ तक कि मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे अच्छे प्लेस का मैं आपको विजिट करवाऊँ, दर्शन करवाऊँ, दिखाऊँ। और ये जगह आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं कोई और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय। मैं वीडियो बनाते बनाते कुछ फूल भी, फूल का कली तोड़ लाया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने खेत वाले से पूछा कि मुझे कुछ फूल चाहिए, कुछ फूल की कली चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप तोड़ लो, कोई बात नहीं है। और मैंने तोड़ लिया, और मेरा कैमरा आप देख सकते हो, मेरा कैमरा इधर है, सॉरी मैं अभी उठा के तब बताता हूँ आपको कि मेरा कैमरा किधर है। कुछ लोग खेत वाले से वहाँ पे खड़े हैं, और उनका इंटरव्यू चल रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस हमारे साथ ये हमारा कैमरा है, और हमारा पार्टनर आप देख सकते हो आ रहा है सामने से। तो कैसा लगा? ये खिला हुआ फ्लावर है, देखिए। हाँ तो आप देख सकते हो कली के साथ साथ खिला हुआ फ्लावर आ गया। तो कैसा लग रहा है जरूर बताइए कमेंट्स करके, और एक लाइक ठोक दीजिएगा जरूर।